करते हैं जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को मुंबई से गोवा जा रही क्रूज में ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ किया। यात्री बनकर पहुंची एनसीबी की टीम ने यहां छापा मारा और इस पार्टी में बॉलीवुड, फैशन और बिजनेस से जुड़े हुए हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। इस मामले में एनसीबी ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने बयान जारी कर बताया कि 2 अक्टूबर को कार्डिया क्रूज पर छापा मारा गया और वहां मौजूद सभी लोगों की तलाशी ली गई। इस दौरान एनसीबी ने एमडीएमए, कोकीन, एमडी और चरस बरामद किया। इस मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। एनसीबी ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन से भी एनसीबी ने पूछताछ की और एनसीबी को क्रूज के अंदर चल रही पार्टी का एक वीडियो मिला है जिसमें आर्यन दिख रहे हैं। पूछताछ में आर्यन ने बताया कि उन्हें इस पार्टी में गेस्ट के रूप में बुलाया गया था और उन्होंने पार्टी में शामिल होने के लिए कोई पैसा भी नहीं लिया था। आर्यन ने दावा किया कि ऑर्गेनाइजर ने उनके नाम का इस्तेमाल कर लोगों को पार्टी में बुलाया था। एनसीबी ने आर्यन को मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है और उनकी चैट्स को खंगाला जा रहा है। तो ये 3 तस्वीरें जो बता रही हैं कि मुंबई की चकाचौंध भरी रोशनी के बीच किस तरह से ड्रग्स का मायाजाल लोगों पर हावी हो चुका है। और ये हाई प्रोफाइल मामला, आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं आपको बता दें, और किस किस से पूछताछ दरअसल की जा रही है। मोहक जसवाल, विक्रांत चोकर, गोमित चोपड़ा, मुनमुन धमेचा, स्मित सिंह, नुपुर सारिका, तो ये वो तमाम नाम जिनसे पूछताछ की जा रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। और मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से अंजलि भंडारी और मुंबई से अमजद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहला सवाल अमजद मेरा आपसे ही है कि मामला तो वैसे ही हाई प्रोफाइल होना ही था क्योंकि ड्रग्स पार्टी की जा रही इतने बड़े लेवल पर, लेकिन मामला तब और सुर्खियों में आया जब इसमें नाम आर्यन खान का जुड़ गया, तो इसको लेकर अभी और क्या कुछ जानकारी, ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, मैं आर्यन खान की बात करूं तो आर्यन एनसीबी की टीम है, वो लगातार पूछताछ कर रही है। उसकी जो मोबाइल है उनको जब्त कर लिया गया है और एनसीबी की जो टीम है सुबह से ही आर्यन से पूछताछ कर रही है और जो 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एनसीबी की बात करो तो एनसीबी ने एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली है और आज संडे का दिन है, हॉलीडे कोर्ट होगा, यहां से उनको मेडिकल के लिए लेके जाया जाएगा। मेडिकल के बाद कहीं ना कहीं ऑफिशियली गिरफ्तारी बताई जाएगी, उसके बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और कुछ दिनों का रिमांड लिया जाएगा, उसके अंदर आगे की जो पूछताछ है वो की जाएगी। अगर आर्यन की बात करें तो आर्यन से लगातार जो एनसीबी की टीम है वो सुबह से पूछताछ कर रही है कि जो ड्रग्स है, जो 1600 लोगों के अंदर से सिर्फ 8 लोगों को कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो कड़ी है, कड़ी और कड़ी कहीं ना कहीं इन 8 लोगों से जुड़ती है, इसकी वजह से ये 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके आगे की जो पूछताछ है, हो सकता है कि ये सिर्फ पूछताछ ही है, इसके बाद किसी को छोड़ा भी जा सकता है और किसी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी गिरफ्तारी का सिलसिला है जो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो लोग थे वो जो पार्टी में नहीं पहुंचे थे या तो वो वहां से निकल चुके थे। तो ऐसे जितने लोग हैं वो एनसीबी के रिडार पे है कि कौन कौन लोग आए थे, इनके ऑर्गेनाइजर कौन है और ये ड्रग्स जो है वो ड्रग्स फेडरल ने कहां से मुहैया कराई, इनके पास ड्रग्स कहां से आई, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस के अंदर भी हमने यही देखा था। और जो मुंबई के पिछले 1.5 सालों के अंदर बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग्स का मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और एनसीबी की जो टीम है वो कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम जरूर कर रही है। अमजद आप बने रहिए हमारे साथ। अंजलि, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मामले को लेकर आर्यन खान की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आई है जिसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि मैं सिर्फ एज अ गेस्ट वहां पहुंचा था और मेरे नाम का इस्तेमाल कर ऑर्गेनाइजर दरअसल पार्टी में लोगों को बुलाया गया और इस दौरान नशे को लेकर बातचीत की गई। हालांकि आर्यन खान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि मैं उस पार्टी में शामिल नहीं था, मैं बस वहां पर एज अ वीआईपी गेस्ट पहुंचा हुआ था। बिल्कुल रितेश, क्योंकि इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, अभी ये जो सब चीजें हैं वो यहाँ पर साफ तब होंगी जब मेडिकल जो है वो उन 8 लोगों का जिन्हें हिरासत में लिया गया है वो करवाया जाएगा और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर किन किन लोगों ने जो ड्रग्स का इनटेक किया था। लेकिन हम इससे अगर थोड़ा और पीछे चले तो बात यहाँ पर करेंगे, क्योंकि जैसा कि एनसीबी के अधिकारियों ने कहा है कि इसकी जानकारी उन्हें कुछ समय पहले ही मिल गई थी। 2 हफ्ते से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल यहाँ पर चल रही थी और आखिरकार ये पूरा प्लान यहाँ पर एनसीबी की तरफ
तरफ से तैयार किया जाता है, जिसमें वो एज अ गेस्ट बन के क्रूज में एंटर होते हैं बकायदा यात्री की तरह, और फिर वहां पर जैसे ही ये रेप पार्टी शुरू होती है और वहां पर ड्रग्स का इंटेक लेना शुरू किया जाता है, तो उस दौरान रंगे हाथों पकड़ा जाता है। अब बात हिरासत में लिए गए लोगों की यहाँ पर आती है, जिसमें शाहरुख खान के बेटे का नाम यहाँ पर शामिल किया गया है, तो काफी चर्चाओं में आर्यन खान जो है वो रहते हैं हमेशा से। हालांकि जो उनकी जो डेब्यू है वो अब तक बड़े बिग बजट फिल्मों में नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी जो एक छोटी अपीयरेंस थी कभी खुशी कभी गम में जरूर दी थी, उसके बाद छोटे मोटे रोल में वो जरूर देखे गए, लेकिन उसके बाद भी वो अपने मीडिया में चर्चा में इसलिए बने रहते हैं क्योंकि उनके उनकी जो अपीयरेंस है या फिर उनके जो नाम लिंक्ड होते हैं उनको लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर भी वो काफी ज्यादा चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन अब जो ये ड्रग्स के मामले सामने आए, क्योंकि हम देखे सुशांत सिंह मर्डर मामले में भी अब अगर देखा जाए उस दौरान से लेकर तब से एनसीबी जो है वो लगातार कई ड्रग्स पेडलर्स पर शिकंजा कस चुकी है। हालांकि एनसीबी डायरेक्टर का यहाँ पर कहना यही है कि चाहे कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और पूछताछ के बाद पूरी सबूत के साथ यहाँ पर कार्रवाई की गई है, और जल्द से जल्द जो है जैसे ही मामला पूरा साफ हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन मेडिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिकल बहुत जरूरी है क्योंकि उसी के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिर किन किन लोगों ने ड्रग्स लिया हुआ था। अमजद, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मामले में आर्यन खान का नाम सामने आया है, ऐसे में बी टाउन में इसको लेकर क्या कुछ गतिविधि देखने को मिल चल रही है, किस तरह के हाल वहां पर बने हुए हैं अभी? देखिए मैं बता दूं, जब से आर्यन खान का नाम आया तो यहाँ पर एक बहुत बड़े लॉयर की जो टीम है, कल रात से ही देख रहे हैं उनकी जो टीम है वो लगातार यहाँ पर एनसीबी के दफ्तर पहुंची हुई है, और यहाँ पर वो बड़े लॉयर की जो टीम है उसके जो जूनियर्स है वो एनसीबी के दफ्तर जाते हैं ऊपर बात करने के लिए अपने क्लाइंट से। अब वो किन से बात करेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं क्योंकि बॉम्बे में बहुत बड़ा नाम है उनका लॉयर का, और जो उनकी टीम है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद आज संडे का दिन है, हालांकि जो एनसीबी की जो टीम है वो कहीं ना कहीं रिमांड लेने की जरूर कोशिश करेगी, और इन्हें 3-4 दिन का रिमांड भी मिल सकता है क्योंकि हॉलीडे कोर्ट होने की वजह से इनको 3-4 दिन का रिमांड जरूर मिलेगा। तो बेल तो आज होना मुश्किल है, जिनकी भी गिरफ्तारी हो वो तो कल या परसों ही पता चलेगा। लेकिन आर्यन खान की बात करें तो उनके ऊपर जो शिकंजा है वो कहीं ना कहीं कसता हुआ नजर आ रहा है, उनके साथ जो लोग थे, क्योंकि जब 1800 लोग एक रेप पार्टी में होते हैं उनके अंदर सिर्फ 8 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, 22 लोगों की जो टीम है ऑलरेडी पहले से पता था कि ऐसी रेप पार्टी 2 अक्टूबर को कहीं ना कहीं होने वाली है। उनके जो सोर्सेस थे एनसीबी के वो साफ तौर पर ये बता रहे थे कि ये पार्टी होगी और उसके अंदर बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा आने वाले हैं, तो पहले से एनसीबी की जो टीम है वो तैयारी करके रखी थी। 22 जो एनसीबी के ऑफिसर्स हैं वो रेप पार्टी में मौजूद होते हैं, जब रेप पार्टी स्टार्ट होती है तो वहां पर जब ड्रग पेडलर और तमाम जब सेवन शुरू होता है तो उसके बाद ही गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। उसके अंदर 1800 लोगों को स्कैन किया जाता है, 1800 लोगों को स्कैन करने के बाद कहीं ना कहीं 8 लोगों से 10 लोगों को लेके आया जाता है। कल रात में 10 लोग आए थे जिसमें से 2 लोगों को छोड़ दिया गया। उसके बाद तमाम मामला बेहद ही हाई प्रोफाइल लगातार बना हुआ है, और सबसे जरूरी जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मेडिकल का इंतजार करना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।